हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंजू शर्मा। अभी आपके लिए जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास पर पढ़ाई थी वो थी टिश्यूज, उत्तक। जीवों में, पशुओं में कौन से किस तरीके के उत्तक होते हैं, उससे पहले हम प्लांट्स में, पादपों में कौन से किस तरीके के उत्तक होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पशुओं में कौन से कितने तरीके के, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं, अभी हम वो पढ़ रहे थे। उसी क्लास को कंटिन्यू करके हम आगे अपने जितने भी पशुओं में उत्तक बचे हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये काम आते हैं, ठीक है। लास्टली अभी हमने दो प्रकार के पढ़े थे, मेनली वो कौन से थे, एपिथीलियल थे और कनेक्टिव थे। कनेक्टिव का थोड़ा सा पार्ट बचा है, अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम आगे मसल्स वाले पढ़ेंगे, फिर हम आगे अपने जितने भी तरीके के उत्तक, दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि नर्व टिश्यूज, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सपोर्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये होते हैं चार तरीके के। पिछला हमने देखा था कि पिछले में भी व्हाइट और डेंस एरियोलर टिश्यूज थे, ठीक है। पिछले के अंदर भी व्हाइट और डेंस एरियोलर टिश्यूज थे, इसके अंदर भी व्हाइट और येल्लो फाइब्रस टिश्यूज है, व्हाइट और येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज है, बोन है यानी कि हड्डी, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट आते हैं, मेनली कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, वो उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम संयोजन में होता है, सहेज के रखना होता है। मेनली वो प्रेजेंट होते हैं उपकला उत्तक, यानी कि उपकला उत्तक कौन से, एपिथीलियल टिश्यूज के बिल्कुल नीचे। इनकी देखो ऐसे लेयर होती है, ये लेयर हो गई, ये उपकला उत्तक है, ये उपकला उत्तक है, ठीक है। फिर इनके नीचे प्रेजेंट होंगे संयोजी, फिर इनके नीचे प्रेजेंट होगा कोई भी अंग, ठीक है। पहले हो गए उपकला, फिर आते हैं संयोजी, फिर इनके नीचे प्रेजेंट होगा कोई भी अंग। ये उस अंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, उतना जितना इंपॉर्टेंट है। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़े बड़े नाम है, हेलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज मेनली किस में प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर बोन में प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, सिर्फ मेरा सुनना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिविजन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना डीप में जाने की इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं बता रही हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से उनको पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि कार्टिलेज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा रिब केज है, जो पूरा ढांचा है, ठीक है। रिब केज क्या होती है, हमारी रिब केज पूरा हमारे अंदर के जो अंग हैं, कौन से अंग, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा रिब केज करता है, और वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो बस आपको यही याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, उपस्थिति कोशिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया कौन सा होता है, विंड पाइप होता है, जहां से हमारी यानी कि श्वास नली, ठीक है। तो ये कार्टिलेज हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, श्वास नली के अंदर प्रेजेंट होता है। बस आपको यही याद रखना है, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। टिप ऑफ द नोज यानी कि हमारी नाक की टिप के टिप भी किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज को हिंदी में कार्टिलेज ही लिखा जाता है। तो मेनली कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करता है, हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ज्यादा आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, कार्टिलेज का सिर्फ फंक्शन याद करना है कि ये हमारे रिबकेज में प्रेजेंट होता है, हमारी नाक की टिप में प्रेजेंट होता है, हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होता है। विंड पाइप यानी कि श्वास नली के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। रिबकेज का क्या काम है, हमारे अंदर के अंगों को प्रोटेक्ट करना। तो मेन वर्क, मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या है। ये बोन को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, हड्डियों को ये अटैच करते हैं, हड्डियों को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, मसल्स के साथ, बोन को बोन के साथ, बोन को मसल के साथ, मसल को बोन के साथ। ठीक है, मेन फंक्शन इनका यही है और हमें यही याद रखना है। फिब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेज का एक टाइप होता है, यानी कि तंतु उपस्थिति। कहाँ पे होती है ये? वर्टिब्लेट्स, ये हमारे जॉइंट्स के बीच में होती है। जॉइंट्स कौन से होते हैं? ये हो गया हमारा जॉइंट, हमारे जो एल्बो का जॉइंट है, हमारे शोल्डर का जॉइंट है, इन जॉइंट्स के बीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। दूसरा काम क्या होता है? जोड़ना मसल को बोन से, बोन को बोन से, बोन को मसल से। ठीक है, हमारी बॉडी का कनेक्शन कराना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंग इधर उधर पड़े हैं, इधर उधर तो नहीं पड़े, सब कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो कनेक्शन कहाँ से आता है? वो कनेक्शन कार्टिलेज प्रोवाइड करता है, मसल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि लोचदार उपस्थि, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? शेप और फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे हमारे नाक को, कान को, और क्या करवाता है? इलास्टिक, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि आपका नाक जल्दी से नहीं टूटता, थोड़ा सा फ्रिक्शन लग जाए, कोई मार दे तो जल्दी से नाक की हड्डी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वो लचीली होती है, इलास्टिक होती है, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो बाहर के किसी भी शॉक को झेल सके। ठीक है, तो मेन फंक्शन यही है। डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हम देखेंगे कि हमारा कार्टिलेज किस लिए इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज मेनली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को एक बोन को बोन किससे कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, लोकोमोशन यानी कि चलने में, चलने फिरने में मदद करता है। हमारा हाथ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? कार्टिलेज की वजह से। इन ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कनेक्शन देते हैं, इसीलिए मूव कर रहा है। हम चल पा रहे हैं, हमारी बॉडी कनेक्टेड है, इसीलिए चल पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोकोमोशन में आती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये सारी चीजें किस वजह से संभव है? ये कार्टिलेज के कनेक्शन से संबंध है, मसल टू मसल, बोन टू बोन। ठीक है, फिर आता है रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कराते हैं ये। आरबीसीज आपने सुना होगा, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज किस लिए होते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कौन कराता है? वो यही कराते हैं, यही वाले सेल्स कराते हैं। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पे, तीसरे तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पे, वो कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि प्रवाहक संबंधक उत्तक, प्रवाहक संबंधक उत्तक। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या आ गया? ब्लड आ गया, ब्लड प्लाज्मा आ गया, रक्त प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स आ गए, ल्यूकोसाइट्स आ गए, ब्लड प्लेटलेट्स आ गए। यानी कि ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, हमारे रक्त के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे वो रक्त प्लाज्मा है, चाहे वो एरिथ्रोसाइट है, चाहे वो ल्यूकोसाइट है, चाहे वो ब्लड प्लेटलेट्स है, हमारे प्लेटलेट्स हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं, प्रवाहक संबंधक उत्तक के अंदर आती हैं। ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी को हेड से लेके टो तक, टो से लेके हेड तक कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होगा, सबको पता है। फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट
क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर क्या मिक्स होता है? रक्त के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का आदान प्रदान कराता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक, ठीक है। यानी कि हाथ से अगर हमारा रक्त बह रहा है, हार्ट से लेके हमारा रक्त हाथ तक बह रहा है, तो वो किस वजह से संभव है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से की वजह से संबंध है, ठीक है। सॉरी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की वजह से संभव है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव फूड को। तो मेनली आप ध्यान दीजिएगा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने मसल वाले टिश्यूज पढ़े, वो क्या काम करा रहे थे? वो काम कर रहे थे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, ठीक है। हमारी बॉडी को एक लचीला इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो मेन काम ये है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये पानी की तरह होता है, सब्सटेंस होते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, वेस्ट होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन होगा, हॉर्मोन्स होंगे, एंजाइम होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जहां जहां इनकी जरूरत है बॉडी में, वहां वहां ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है। जहां जहां इन सब चीजों की, एंजाइम की जहां पे जरूरत है, ब्लड के थ्रू एंजाइम वहां पास हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी की जहां जरूरत है, डब्ल्यूबीसी की जहां पर जरूरत है, वहां पर डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बना लेते हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जहां जहां जो जो भी जिस भी चीज की जरूरत है, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो हमारी आरबीसीज हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट है, चाहे पानी है, चाहे ऑक्सीजन है, तो उन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, एक अंग से दूसरे अंग के अंदर, ठीक है। फिर आ गए हमारे रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। कौन से क्या होते हैं? ये लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन, ओ टू। इसका ट्रांसफर कहां से? लंग्स से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ही आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरबीसी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से उधर लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर आता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लग जाती है और आपको एक जगह पे क्लॉट आ जाता है, थोड़ी देर बाद ही उस जगह पर बहुत सारे आरबीसीज आके जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये क्लॉट बन गया, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्लॉट कर देते हैं उस जगह को, ठीक है। और हमारी चोट, तो अभी हम पढ़ रहे थे कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसीज कहाँ पे हमारा उनका फंक्शन होता है। मेन फंक्शन आरबीसीज का होता है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। आरबीसीज का मेन फंक्शन यही है। ये प्ले करते हैं हमारी बॉडी के पीएच को रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी के पीएच को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं ऑक्सीजन का थ्रू ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, मेनली लंग से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, ये किस तरीके से दिखते हैं, बाय कनकेव डिस्क, यानी कि ये ऐसे दिख रहे हैं, ये आरबीसी है, ठीक है। तो बाय कनकेव होगा, बाय कनकेव इसकी शेप होगी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा पर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में चार यूनिट, आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, ये चीज आपको आनी जरूरी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर चार यूनिट होती है और उसके अंदर क्या होगा, ग्लोबिन होगा, आयरन होगा जिसे हम बोलेंगे हीम, तो हीम का मतलब आयरन,
और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है? प्रोटीन, एक तरीके के प्रोटीन और एक तरीके के आयरन से, ठीक है। आयरन क्या करता है कि फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन। आयरन ही है जो हीमोग्लोबिन ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में लंग्स से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी। कैसे? आयरन ही ऑक्सीजन के साथ जाकर केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करेगा और तभी आरबीसीज इधर से उधर ब्लड को पहुंचा पाएंगे, तभी आरबीसीज ऑक्सीजन को लेकर पहुंचा पाएंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। फिर आते हैं सफेद रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनको वॉरियर्स भी बोलते हैं, वॉरियर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आता है, फॉरेन बॉडी आती है, तो सबसे पहले यही उस फॉरेन बॉडी को मारने जाते हैं। सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स ही, सफेद रक्त कणिका ही हमारी इम्यून सिस्टम का पहला पार्ट होता है जो उसको मारने जाते हैं। तो इसलिए इनको वॉरियर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है? ये इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उनको करते हैं। ये हमें इम्यूनिटी देते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को दूसरे पैथोजन से, ठीक है, दूसरे वायरस से, दूसरे बैक्टीरिया से जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो मेन काम व्हाइट ब्लड सेल्स का है डिफेंस के लिए, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके के ब्लड के अंदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये देखिए एरिथ्रोसाइट्स इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है। मोनोसाइट ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम के भी पार्ट हैं, हमारे ब्लड टिश्यूज के भी पार्ट हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट हैं। प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स तो आपको पता ही होगा, जब किसी को डेंगू होता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है कोएगुलेटिंग फैक्टर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इओसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो ये सारे हमारे फ्लूइड यानी कि ब्लड का पार्ट है, ब्लड के अंदर ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल्स कितने तरीके के होते हैं, तो बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये भी सारे अलग अलग तरीके के ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ ब्लड सेल्स का नाम सुनते ही आरबीसी नहीं आता दिमाग में, ये वाले सेल्स भी होते हैं जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, ये किस तरीके के होते हैं? बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनका मेन काम होता है इम्यूनिटी के अंदर। आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेशक यहाँ पे डीप में लिखा हुआ है, लेकिन जितना मैं बोल रही हूँ उतना कवर कीजिए, बहुत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी में, ये सारे सेल्स इम्यूनिटी में काम आते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जॉइंट सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? बोन मैरो में, ठीक है। ये स्मॉल डिस्क होते हैं, छोटी छोटी ऐसी ऐसी डिस्क प्रेजेंट होंगी, छोटी छोटी ऐसी ऐसी डिस्क प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इसका क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये फॉरेन सरफेस से, यानी कि जो बाहर से बैक्टीरिया, बाहर से वायरस आ रहा है उसके सरफेस पे स्टिक हो जाता है, ठीक है, उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन यही है। फंक्शन क्या है? जब ब्लड वेसल डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स प्लग बना देते हैं। जब हमारे ब्लड वेसल, जब हमारी ग्रंथियां, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड फ्लो करा रही हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो उनमें कोई डैमेज हो गया, किसी तरीके की इंजरी हो गई, तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं उस इंजरी को सस्टेन करने में, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं उस इंजरी को ठीक करने में। छोटी मोटी माइनर इंजरीज तो प्लेटलेट्स ठीक कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी इंजरीज होती हैं वो प्लेटलेट्स ठीक नहीं कर पाते, वो ऑपरेशन के थ्रू ही हो पाती हैं, ठीक है। इंजर्ड टिश्यूज को भी हेल्प करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है और हमारा खून बहता रहा तो हम मर जाएंगे, लेकिन
एक चीज है यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमारे खून का वहां पर बाहर के एरिया पर थक्का जम जाता है, ठीक है, क्लॉट आ जाता है। तो किस वजह से आता है? प्लेटलेट्स की वजह से आता है, ठीक है। और डेंगू में आप सबने सुना होगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टिश्यूज पे, मांसपेशी उत्तक, ठीक है, मांसपेशी, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू यानी कि मांसपेशी उत्तक। तीन तरीके के मसल टिश्यू होते हैं, तीन तरीके की मांसपेशी उत्तक होती हैं। स्मूथ कार्डियक स्केलेटल, कुछ ऐसी दिखती हैं ये, स्केलेटल यानी कि कंकाल की मांसपेशी, स्मूथ यानी कि कोमल मांसपेशी, कार्डियक यानी कि हृदय की मांसपेशी। कार्डियक तो आपको पता ही है, कार्डियक हमारे हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका वहीं पर होता है, ठीक है। उससे अलग कोमल मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी, तो ये सारी मांसपेशियां मिलकर हमारी मसल टिश्यू बनाती हैं, हमारी मांसपेशी उत्तक बनाती हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये काम करती हैं, क्या क्या इनका वर्क है, ठीक है। तो मेन चीज हमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, एक तो फ्लूइड वाला, आरबीसीज वाले, और एक जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मसल टिश्यूज वाले, और तीसरा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि तंत्रिका उत्तक, ठीक है। स्मूथ मसल यानी कि कोमल मांसपेशी, ठीक है, ये कहाँ मिलती है? बॉडी में अलग अलग जगह पाई जाती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मसल्स के बिना तो बॉडी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी ही मसल को बोन से अटैच करा रही है, ठीक है, तभी तो बन पा रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मिलती है ब्लड वेसल की वॉल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी डक्ट में, यूरिनरी डक्ट में, रिप्रोडक्टिव डक्ट में, आंख के आयरिस के अंदर, ठीक है। तो ये जगह हैं जहां पे मसल टिश्यू फाउंड होते हैं, ठीक है, मांसपेशी उत्तक मिलते हैं। मेनली आप ध्यान रखिएगा कि मांसपेशी उत्तक ऑलमोस्ट हर जगह ही होते हैं, क्योंकि मसल्स हमारी ऑलमोस्ट सारी जगह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसी दिखती हैं, इसका पार्ट है पेशी तंतु, माइक्रोफाइब्रिल्स, नाभिक, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस किसी का अगर ऑप्शनल है जूलॉजी, ठीक है, तो उसको सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स के उस पर बिल्कुल हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जितना अप्रोच है, जितना क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं, बस हम वही पढ़ रहे हैं। कितने तरीके के टिश्यूज हैं एनिमल टिश्यूज, उन एनिमल टिश्यूज में और कितने तरीके के, उनके क्या क्या फंक्शन है, उनके फंक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस मेरी जो भी मैं बोल रही हूँ उन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा जरूरी नहीं है, मेनली आप देख लीजिएगा कि हमारे स्मूथ क्या कहते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, अभी मैंने दिखाया है आपको डायग्राम में, ऐसे ऐसे दिखती होंगी, यहाँ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, कभी भी ये बोन से नहीं कनेक्टेड होती, ठीक है। ये जो स्मूथ वाली होती हैं कभी भी बोन से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना कार्डियक मसल टिश्यू। मैंने आपको बताया था कार्डियक वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हार्ट, हृदय, ठीक है, हृदय उत्तक, ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्डियक वर्ड ही हृदय से बना है, ठीक है। फाउंड ओनली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगी, सिर्फ और सिर्फ हृदय में प्रेजेंट होंगी, ये रहा हमारा हार्ट, और ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं, देखो ऐसे दिखती हैं ये, ऐसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है। तो हाँ, बस आपको डायग्राम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कार्डियक मसल टिश्यू हमारे सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं प्रेजेंट नहीं होती, और कहीं पाई नहीं जाती, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर ये भी दिया गया था कि कार्डियक टिश्यू मिलकर हमारी स्केलेटल बोन बनाते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो गया, क्योंकि क्योंकि कार्डियक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कार्डियक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हृदय में प्रेजेंट होंगे और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये इनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ब्लड को पंप करने की, ठीक है। ग्लूकोज होता है ब्लड सप्लाई के लिए, इसके अंदर ब्रांच्ड होंगी ये, ठीक है, ब्रांच्ड होंगी ऐसे करके होंगी,
ऐसे करके ब्रांच दूंगी, मतलब एक इकलौती नहीं होगी, एक ऐसे नहीं होगी, नहीं ऐसे नहीं होगी, ये ब्रांच दूंगी, अलग अलग ब्रांचेस में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सेल्स रेक्टेंगुलर हैं और कनेक्टेड होते हैं मसल अपेंडेजेस के साथ, और इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। डिस्क क्या होती हैं? ऐसे, ये सेक्शन एरिया, ठीक है, सेक्शन एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इस तरीके से दिखता है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर। मेन फंक्शन, फंक्शन क्या होगा? हार्ट में प्रेजेंट है तो ब्लड की रिदमिक बीटिंग, ब्लड सॉरी ब्लड नहीं, हार्ट की रिदमिक बीटिंग। ठीक है, आपने सुना होगा हार्ट की साउंड लब डब, कॉन्स्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो मेन काम इनका क्या है? हार्ट की रिदमिक बीटिंग कराना, ताकि अच्छे से ब्लड पंप हो सके। ठीक है, होल बॉडी में। फिर हम आते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू पे। ठीक है, तीसरी, अभी तक हमने पढ़ा था कार्डियक मसल टिश्यू, फिर हमने पढ़ा अपना स्मूथ मसल टिश्यू, अभी हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू जैसा नाम है, स्केलेटल सिस्टम में होंगी, बोन्स में होंगी। ठीक है, हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने लास्ट से, लास्ट पार्ट पे, यानी कि तंत्रिका उत्तक नर्व टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन ही तो सारा काम कर रहा है, हमारा ब्रेन ही तो हमें पढ़ने की शक्ति दे रहा है, हमारा ब्रेन ही तो रिटेन कर रहा है, तो इसीलिए ये सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जिस जिन उत्तकों से बना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नर्वस टिश्यू किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू बने होते हैं न्यूरॉन्स से। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आप सबने पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स हमारे नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नर्व सेल्स मिलके, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिक यूनिट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन, हम बोल पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसी चीज के प्रति हम सेंस कर पा रहे हैं, कोई भी चीज हमें गर्म लग रही है, वो क्यों लग रही है, वो चीज हमारे दिमाग से ट्रांसमिट हो गया है कि ये चीज गर्म है तो हम अपना हाथ हटा लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी सेंसेस, ये सारी कम्युनिकेशंस, ये कहाँ से आ रही हैं? ये उन टिश्यूज के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, फिर वो ट्रांसफर होती है। और जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगी, तो ये भी पढ़ाऊंगी कि सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मेन हम चीज क्या है कि ये कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल ट्रांसफर के लिए इनका काम होता है। ठीक है, और न्यूरॉन्स एक्सटेंड होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और अकेले ये कभी एक्ट नहीं करते, न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पैर में, अंगूठे की उंगली में भी छोटी सी पिन चुभ जाती है ना, तो भी हमें पता चल जाता है कि भाई पिन चुभ गई है। कैसे? क्योंकि न्यूरॉन का ट्रांसमिशन वहां पर भी है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन कराते हैं। ठीक है, और मेन काम इनका यही है, इंफॉर्मेशन को पास करना। स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूरॉन्स का मेन स्ट्रक्चर हमने सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा, डेंड्राइट, एक्सॉन, ये रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं? एक ध्रुवीय न्यूरॉन होता है जिसका सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही ये डेंड्राइट वाला पार्ट होगा। ठीक है, मल्टीपोलर जिसके बहुत सारे होंगे, बहुध्रुवीय न्यूरॉन, बायपोलर जिसके द्विध्रुवीय न्यूरॉन, जिसके दो दो पार्ट होंगे, दो टहनियां ऐसे निकल कर आ रही होंगी। ठीक है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल भी क्रैम करने की, बिल्कुल भी क्रिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये किस में काम आते हैं, फंक्शन क्या है, किस तरीके के इनके काम है। ठीक है, मेन हमें वर्क पता होना चाहिए, और वो हमें पता है कि न्यूरॉन्स का काम मैसेज ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेशन करना है, थिंकिंग पावर करना है, हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, वो काम इसका मेन काम है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेंड्राइट्स, द्रुमिका, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, तंत्रिकाक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा न्यूरॉन का, बस ये पता होना चाहिए कि हमारा न्यूरॉन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ कितने तरीके के एनिमल टिश्यूज थे, कितने तरीके के पशु उत्तक थे। हमने चार तरीके के पढ़े, ठीक है, चार तरीके के एनिमल टिश्यूज पढ़े, स्केलेटल, मसल, फ्लू, कनेक्टिव, एपिथेलियल, ठीक है, और एंड नर्व, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि हमको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। एपिथेलियल का क्या काम है, प्रोटेक्ट करना। कार्डियक वाले का क्या काम है, हृदय में पंप कराना, ब्लड का फ्लो कराना, ठीक है। तो मेन आपको इनके कार्य पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी टर्म्स याद हों, कोई जरूरत नहीं है उन टर्म्स को रट्टा मारने की, याद करने की मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी। सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं जो चीज समझा रही हूं अगर आप उसको लिख के उसको एक बार पढ़ भी लेंगे तो वो ही काफी है, क्योंकि उतनी नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीसिस नहीं लिखनी है हमको, पीएचडी में कोई टॉपिक हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। हमको पेपर क्लियर करना है और जितना मैं बोल रही हूँ उतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम आखिरी में क्या पढ़ेंगे, हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े, पादपों के उत्तक पढ़े, अब एनिमल टिश्यूज पढ़े, तो अब उनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में क्या ऐसी चीजें अलग अलग हैं कि ये अलग अलग बने, सेम भी तो हो सकते थे, क्यों ये अलग अलग है, क्यों एनिमल टिश्यू अलग है, क्यों हमारे अंदर कोई प्लांट का टिश्यू नहीं है, क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पहला डिफरेंस, पौधे उत्तक का पहला डिफरेंस, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। प्लांट तो चल नहीं सकते, पौधे तो चल नहीं सकते, तो उनको ज्यादा टिश्यूज की जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत है। हमारी बॉडी में इतने तरीके के टिश्यूज हैं, क्यों है हमारी बॉडी में इतने तरीके के टिश्यूज, क्योंकि हम चलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन पौधे तो एक जगह खड़े ही रहते हैं ना, तो चलते, तो इसीलिए उनको ज्यादा टिश्यूज की जरूरत नहीं है और हमें ज्यादा टिश्यूज की जरूरत है क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आता है, प्लांट्स में मोस्टली टिश्यू स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट के जो उत्तक हैं, पौधों के उत्तक मेनली क्या देते हैं, उनको बाहरी प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि प्लांट चल नहीं सकते तो अपना प्रोटेक्शन तो करेंगे ना किसी तरीके से, तो उसके अंदर वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज डेड होते हैं, बहुत सारे इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब ऑलमोस्ट आपने देखा होगा पेड़ का तना, पेड़ के तने में टिश्यूज डेड होते हैं और वो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट एक जगह पे खड़ा रहे, लेकिन एनिमल टिश्यूज में ऐसा नहीं है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा टिश्यूज चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। ग्रोथ में लिमिटेड, क्या बोलेंगे, प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है, एनिमल में अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है। हमारा कहीं हाथ अलग तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, दिमाग अलग तरीके से बढ़ रहा है, अंदर सेल डिविजन हो रहा है, जनन प्रजनन के टाइम पे अलग सेल डिवीजन होता है, तो एनिमल्स को अलग अलग टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स का आपने देखा होगा, पादपों के की कोशिका भी मैंने पढ़ाई, पादपों का न्यूट्रिशन भी मैंने पढ़ाया, पादपों का प्रजनन भी पढ़ाया, तो उनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन एनिमल्स का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हमें ज्यादा स्पेशलाइज्ड हर अंग के लिए अलग अलग टिश्यू की जरूरत पड़ती है। हर अंग के लिए अलग अलग टिश्यू चाहिए क्योंकि हमारा प्रोसेस, हमारे प्रोसेसेस, हमारे ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को बरकरार रखने के लिए हमें अलग अलग टिश्यूज चाहिए। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही बहुत है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका उन टर्म्स का, उतनी बड़ी बड़ी टर्म्स का कोई काम नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कौन से टिश्यू का क्या काम है, ये टिश्यू इसके लिए काम आता है, ये टिश्यू इसके लिए काम नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ इतनी नॉलेज बहुत है, ठीक है। बस अपना, आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, बेसिक क्लियर होगा तो लॉजिक लगा पाएंगे आप, ठीक है, लॉजिक लगा पाएंगे तो क्वेश्चंस भी ठीक होंगे। आपने देखा होगा इस साल के 2020 वाले में, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सारे क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड थे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट लॉजिक पे बेस्ड थे। जिसने लॉजिक लगा लिया उसका ठीक हो गया, तो वो कैसे, लॉजिक कैसे आएगा, जब आपका बेसिक ठीक होगा, जब आपको ये पता होगा कि कार्डियक टिश्यू
कार्डियक उत्तक क्या करते हैं, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल में नहीं प्रेजेंट होते, स्केलेटल सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होते। तो ये बेसिक आपको ठीक करना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपकी मदद करते रहेंगे हर तरीके से, जिस भी तरीके की आपको मदद चाहिए आपको क्लैरिफाई करते रहेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में भी। अभी भी जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं बहुत क्लियर तरीके से पढ़ाए हैं और सिर्फ उतने ही पढ़ाए हैं जितने जरूरी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।